जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज का जीवन चरित्र, अपूर्व योगक्षेम। कश्मीर के सिद्ध संत स्वामी श्री लक्ष्मण जू से पाठकगण पहले से ही परिचित हैं। एक बार उनको 4-6 महीने के लिए दिव्य उन्माद हो गया था। उन्माद शांत होने के पश्चात भी वे प्रायः अर्धबाह्य दशा में ही रहते थे। एक बार वे दिल्ली आए हुए थे। वहाँ से पूज्य श्री महाराज जी को दिल्ली आने के लिए उन्होंने संदेश भेजा, परंतु स्वास्थ्य ठीक न होने से श्री महाराज जी आ नहीं सके। श्री महाराज जी का समाचार मिलते ही श्री स्वामी जी ने वृंदावन आने का विचार किया और 3 कारों में भक्त वृंद सहित वेणु विनोद कुंज आ पहुँचे। दोनों महापुरुष बहुत ही स्नेहपूर्वक मिले। उन्हें श्री महाराज जी के कक्ष में ही एक कुर्सी पर बैठाया गया। श्री महाराज जी ने उन्हें चंदन लगाकर माला धारण कराई। श्री स्वामी जी ने भी श्री महाराज जी के हाथ से चंदन की कटोरी लेकर श्री महाराज जी को चंदन लगाया और गले से मिले। श्री महाराज जी ने स्वामी जी को नया रेशमी वस्त्र उढ़ाया। दोनों संतों ने साथ साथ चाय पी। फिर स्वामी जी एक क्षण उठकर खड़े हो गए और कहा, अच्छा अब हम चलते हैं। श्री घनश्याम जी ने कहा, स्वामी जी भोजन करके ही जाना होगा। अभी भी उनकी उन्माद अवस्था पूर्ण रूपेण प्रशमित नहीं हुई थी। कहने लगे, अच्छा तो लाओ भोजन। बहुत समझा बुझाकर कमरे में लाकर बैठाया। वे कई बार उठ खड़े हुए और कई बार रोका। विनोद वार्ता भी होती रही। कहने लगे, भैया महाराज जी बड़े ट्रिकी हैं। हमें वृंदावन बुलाने के लिए तबीयत का बहाना किया। 6-7 घंटे वेणु विनोद कुंज में स्वामी जी का श्री महाराज जी से प्रेमालाप होता रहा। उनके परिकर जनों ने कहा, स्वामी जी ने अपने हृदय में जितना स्थान श्री महाराज जी को दिया है उतना आज तक किसी को नहीं दिया। अन्य किसी से न तो हंसकर बोलते हैं, न खुलकर बात करते हैं, न किसी को अपने शरीर का स्पर्श ही करने दिया है, परंतु श्री महाराज जी को देखते ही ये गदगद हो जाते हैं और अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें चिपटाकर मिलते थे। कहते थे, भैया तुम्हें मालूम है श्री महाराज जी क्या हैं? भैया श्री महाराज जी नख से शिख तक प्रेम ही प्रेम हैं। उस दिन दोनों संतों के मिलन के कई चित्र मैंने लिए। भोजन करने के बाद श्री स्वामी जी ने अपने परिकरजनों सहित दिल्ली प्रस्थान किया। कुछ दिनों के बाद श्री स्वामी जी का स्वास्थ्य खराब हो जाने से उन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में भर्ती करवाया गया था। 19 मई को स्वामी जी को देखने दिल्ली जाने का श्री महाराज जी का कार्यक्रम निश्चित हुआ। तदनुसार आप सुबह 7:30 बजे सीताबाई पोद्दार की मारुति वैन से दिल्ली के लिए रवाना हुए। श्री ठाकुर जी एवं कुसुम जी साथ थे। वर्षा के कारण मार्ग गीला था। छाता और कोसी के बीच अचानक कार के पहिए स्लिप हो गए। गाड़ी घूम गई और सड़क के एक तरफ उलटकर गिर गई। सामने से एक यात्री बस आ रही थी। ड्राइवर दूर से ही लाइट देता हुआ आ रहा था। गाड़ी को स्लिप होकर गिरती देख बस के सब यात्री हाय हाय कर उठे। ड्राइवर ने बस रोक दी। बस के सब यात्री भाग भाग कर मारुति वैन के पास आ गए। देखा अंदर सब ठीक है। एक ऐसी विचित्र बात हुई कि गाड़ी पलटते ही पीछे की डिग्गी अपने आप खुल गई और निकलने का रास्ता बन गया। सब खिड़कियां तो जाम हो गई थीं। खिड़की की ओर से जिधर गाड़ी पलटी थी कुसुम जी बैठी थी, उन्हें थोड़ी चोट आई। दबाव पड़ने से फिसली और बांह दब गई। पसली में दर्द और सूजन हो गई। बांह पर खून जम जाने से बड़ा सा काला दाग पड़ गया। श्री महाराज जी मध्य में बैठे थे, उन्हें कुछ भी चोट नहीं आई, परंतु झटका लगने से शरीर में कई जगह दर्द हो गया। ठाकुर जी अगली सीट पर बैठे थे। उनकी अंगुली खिड़की से दब जाने के कारण नीली पड़ी थी। जब वेणु विनोद कुंज से गाड़ी रवाना हुई तभी से श्री महाराज जी ने कहना शुरू कर दिया था, बरसात के दिन हैं, गाड़ियां स्लिप हो जाती हैं, संभाल के चलाना चाहिए। बार बार कहने पर भी ड्राइवर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा लेता था। अतः ठाकुर जी पीछे से उतरकर अगली सीट पर जा बैठे और बीच बीच में उसे गाड़ी धीमी गति से चलाने के लिए कहते रहे।
दुर्घटना के समय गाड़ी 60 की स्पीड से ही चल रही थी। बस यात्रियों ने धीरे से सबको डिग्गी के रास्ते बाहर निकाला और 7-8 लोगों ने गाड़ी को उठाकर सीधा कर दिया। सब कहने लगे, गाड़ी को जिस प्रकार हमने पलटते देखा उससे किसी के भी जीवित रहने की आशा नहीं कही जा सकती थी, परंतु भगवान ने सबको बचा लिया। कुसुम जी और ठाकुर जी के हाथ में माला झोली देखकर कहने लगे, आपके साथ संत हैं और आप तीर्थ करके आ रहे हैं, इसलिए सब सुरक्षित रहे। बस के ड्राइवर ने गाड़ी चेक की, टंकी देखी, ब्रेक देखे, गाड़ी स्टार्ट करके देखी, सब कुछ ठीक था। इतनी बुरी तरह पलटने के बाद भी न उसका कोई शीशा टूटा न बत्ती टूटी, और तो और गाड़ी को कहीं खरोंच भी नहीं आई। ड्राइवर ने खुश होकर कहा, गाड़ी बिल्कुल ठीक है, आप सब आराम से जाइए। कुसुम जी ने कहा, महाराज जी अब तो वापस लौटना चाहिए। श्री महाराज जी ने कहा, जब ठाकुर ने सब कुछ ठीक रखा, योग क्षेम लिया, गाड़ी भी ठीक रखी और हमें भी विशेष चोट नहीं आने दी, तो किस लिए लौट चलें, अब तो इसी गाड़ी से जाएंगे। इस घटना के कारण श्री महाराज जी फरीदाबाद श्री लाल जी के यहाँ विलंब से पहुँचे। चिंताग्रस्त होकर सब प्रतीक्षा कर ही रहे थे। घटना का विवरण सुनकर वे भी आश्चर्य करने लगे। इस घटना के पीछे एक विचित्र बात थी जो पूज्य श्री महाराज जी ने बाद में बताई। अनन्यास चिंतयंतो माम ये जना परियुपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री महाराज जी गीता के इस श्लोक की व्याख्या अपने ही ढंग से करते थे। कहते थे, योग अर्थात श्री कृष्ण से मिलने का प्रसंग और क्षेम अर्थात श्री कृष्ण मिलन से जिस प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है उसको गोपनीय रखकर जो संरक्षण करते हैं वे उनके अपने श्री कृष्ण। श्री महाराज जी ने कहा, यह घटना क्यों हुई पता है? मेरे मन में गाड़ी में बैठते ही यह विचार चल रहा था कि इस प्रकार योग क्षेम को वहन करने वाले श्री कृष्ण तो एकमात्र मेरे अपने हैं, फिर व्यापक योग क्षेम कैसे होता है? सर्वव्याप्त सर्वकर्ता श्री कृष्ण तो और कोई होंगे। बस यही विचार प्रगाढ़तापूर्वक मेरे मन में चल रहा था। इस घटना के द्वारा उन्होंने मुझे अनुभव कराया कि मैं ही सर्वव्याप्त कर्ता धर्ता सर्वत्र एवं सभी प्रकार का योगक्षेम करने वाला हूँ। उन्होंने ही गाड़ी स्लिप कराकर पलटा दी और सबको सुरक्षित रखकर योगक्षेम भी लिया। इस घटना से मैं समझ गया कि उन्होंने मुझे अपनी सर्वव्यापकता की स्मृति दिलाने के लिए ही यह लीला की। बात यह है कि भक्त सब कुछ जानते हुए सब कुछ अनुभव करते हुए भी प्रेमवश कभी कभी किसी माधुर्य लहरी में डूब जाते हैं। वहाँ उनका ऐश्वर्य भाव लुप्त प्राय हो जाता है। ब्रज गोपियाँ कोई साधारण नहीं, भगवत्ता के पूर्ण ज्ञान से अभिज्ञ हैं, पर माधुर्य रस में डूबी रहने के कारण वे श्री कृष्ण एकमात्र हमारे कांत हैं, इसी भाव से अभिभूत रहती हैं। वियोगावस्था में कुछ समय के लिए ऐश्वर्य का भान होता है तो कह उठती हैं, नखलु गोपिका नंदनो भवान। परंतु जब श्री कृष्ण उनके मध्य प्रकट हो जाते हैं, बस उनके इस रूप में प्रकट होते ही वे अपने एकमात्र प्रियतम के रूप में ही देखती हैं उन्हें अपने एकमात्र प्रियतम के रूप में ही देखती हैं उन्हें भान भी नहीं रहता कि ये कोई भगवान है। यह न होता तो दूसरे ही क्षण अपनी ओढ़नी बिछाकर कैसे कहती कि आओ इस पर विराजो। कहने का सार यह है, कोई भी भक्त या प्रेमी सब कुछ जानते हुए भी कभी कभी किस लहर में डूब जाता है और उनके परम पृष्ठ को भी उसके साथ विभिन्न प्रकार की अटखेलियाँ करने में आनंद आता है। श्री महाराज जी के मुख से इस दुर्घटना के आवरण में छिपी हुई एक परम मधुर घटना की बात सुनकर सभी भाव विभोर हो गए। श्री महाराज जी स्वामी जी को देखने हॉस्पिटल गए। श्री महाराज जी को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। श्री महाराज जी को निकट ही बैठाकर चाय पिलाई एवं श्री घनश्याम जी से कीर्तन सुना। इस अस्वस्थ अवस्था में भी उनके मुख पर बिखरी हुई प्रसन्नता देखते ही बनती थी। उनसे मिलकर श्री महाराज जी यथासमय श्रीधाम लौट आए। श्री तिरुपति बालाजी के दर्शन। एक बार परम पूज्य श्री महाराज जी अचानक डाकोर चले गए। पीछे से श्री ठाकुर जी और कुसुम जी भी डाकोर पहुँचे। श्री रणछोड़ दास जी महाराज के यहाँ श्री महाराज जी से भेंट हुई। श्री तारा बहन के यहाँ प्रसाद पाने के पश्चात सबने रणछोड़ दास जी महाराज के यहाँ ही
रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन जब घनश्याम जी ने श्री महाराज जी से पूछा कि वृंदावन कब चलेंगे, तो कहने लगे श्री तिरुपति बालाजी का प्रसादी चंदन अचानक मेरे हाथ में आ गया, इसका मतलब है कि वे मुझे बुला रहे हैं, उनके दर्शन करके 8 दिन बाद वृंदावन पहुंच जाऊंगा, आप लोग वृंदावन चलें। पर ठाकुर जी ने श्री महाराज जी के साथ रहना ही उचित समझा और भीका जी को साथ लेकर सबका आरक्षण करा लाए और इसकी सूचना वृंदावन दे दी। श्री महाराज जी, ठाकुर जी एवं कुसुम जी तीनों तिरुपति बालाजी पहुँचे तथा रहने के लिए 2 कमरों की व्यवस्था की। विश्राम करने के पश्चात सायं श्री बालाजी के दर्शन करने गए। दर्शनार्थियों की लंबी कतार देखकर निराशा सी हुई कि शायद उस दिन दर्शन नहीं हो पाएंगे। कुसुम जी ने कहा, वृंदावन के हमारे बिहारी जी तो बड़े अच्छे हैं, वहाँ लाइन का कुछ चक्कर ही नहीं है। इतना सुनकर पूज्य श्री महाराज जी बोले, अच्छा। और अच्छा कहते ही जैसे उनमें कोई आवेश सा आ गया, बोले चलो इधर चलो, इन लोगों को लाइन से निकालकर जाने कहां कहां से जाकर सबसे आगे वाली पंक्ति में खड़ा कर दिया। मद्रास से 2 मिनिस्टर आए हुए थे, एसपी डीएसपी सभी उनकी व्यवस्था में आगे जा रहे थे। श्री महाराज जी ने एसपी से पूछा, क्या मैं आ सकता हूं? उसने बिना पीछे मुड़े हाथ के इशारे से कहा, आइए। तीनों तेजी से उसके पीछे चल दिए और आगे जाकर ऐसे द्वार पर पहुँच गए जो मंदिर के ठीक सामने ही था, उत्सव के अवसरों पर ही खुलता था। उसमें एक विशाल ताला पड़ा हुआ था, सब लोग वहीं खड़े थे। द्वार के भीतर रामनाथ जी गोयनका को खड़े देखकर श्री ठाकुर जी ने श्री महाराज जी को बताया कि उनको वे गीता वाटिका गोरखपुर में श्री बाबा के पास देख चुके हैं। इन्हें बाहर खड़े देखकर वे खींचे हुए इनके पास आए और तुरंत द्वार खुलवाकर इन लोगों को अंदर ले लिया तथा जो मिनिस्टर खड़े थे उनसे भी पहले श्री महाराज जी को श्री बालाजी के दर्शन कराने के लिए पुजारी से कहा। पुजारी ने इन्हें अच्छी तरह दर्शन कराए, सिर पर षटकूप रखा। फिर भी श्री रामनाथ जी ने सभी को साथ लेकर परिक्रमा कराई और कहा, कल नेत्र दर्शन होंगे, आप मंगला में आइए, मैं भी आऊँगा। दूसरे दिन जब मंगला में नेत्र दर्शन करने पहुँचे तो श्री रामनाथ जी गोयनका प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने अच्छी तरह दर्शन करवाए। ये लोग 3 दिन वहाँ रहे और बिना लाइन में लगे सीधे मंदिर में पहुंचकर दर्शन सुख प्राप्त करते रहे। श्री महाराज जी ने कहा, मुझे उन्होंने प्रेरणा देकर बुलाया है तो सब व्यवस्था उनको करनी ही थी। वहाँ से पंडरपुर होते हुए पुनः सभी डाकोर आ गए और 2 दिन डाकोर रहकर वृंदावन पहुँचे। यहाँ तक तो घटना सामान्य सी ही लगती है, परंतु आश्चर्य तो तब हुआ जब यात्रा के 2 माह पश्चात श्री रामनाथ जी गोयनका गीता वाटिका में श्री ठाकुर जी को मिले। श्री ठाकुर जी ने जब उनसे कहा, आपने तिरुपति बालाजी में हमें बड़े अच्छे दर्शन कराए, वे बोले, दर्शन कैसे दर्शन, और कोई होगा, मैं गया ही नहीं, आप भूल रहे हैं। इसके बाद पुनः वे श्री ठाकुर जी को डालमिया हाउस में मिले। श्री ठाकुर जी ने जानबूझकर उनसे फिर से वही बात कही। उस समय भी उन्होंने कहा, आप भूल रहे हैं, मैं नहीं था, कोई और होगा। अब तो पूर्ण रूपेण स्पष्ट हो गया कि स्वयं तिरुपति बालाजी ने ही श्री महाराज जी को प्रेरित कर बुलाया और इस विचित्र ढंग से दर्शन की व्यवस्था कर अपूर्व योगक्षेम भी लिया। जय श्री राधे।